बजाज ट्रायम्फ का एक और मोटरसाइकिल टेस्टिंग के दौरान फिर से देखा गया है। हालांकि बजाज और ट्रायम्फ मिलकर जो मोटरसाइकिल इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है, इनकी बाइक को भी इंडियन मार्केट में कुछ टाइम पहले देखा गया था, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। लेकिन एक बार फिर से टेस्टिंग के दौरान जहाँ पे राइडर के द्वारा बाइक को टेस्ट किया जा रहा है, तो ऐसी एक इमेज सामने आई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हालांकि ये सेम मॉडल वही है जो पहले भी देखा गया था, लेकिन यहाँ पे कुछ नया झलक देखने को मिल रहा है और कुछ ज्यादा डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। बजाज के साथ ट्रायम्फ अपने मिलकर दो बाइक्स को लॉन्च कर सकती है दो कैटेगरी में, जिसमें एक स्कैम्ब्रो और एक स्ट्रीट बाइक हो सकती है, जो कि इंडियन मार्केट में रॉयल एनफील्ड SD इन सब कंपनी के जो मोटरसाइकिल्स आते हैं क्लासिक रेट्रो डिजाइनिंग की, उनको ये टक्कर देगी। क्योंकि बजाज कंपनी के पास बड़ी सी सेगमेंट में कोई बाइक मौजूद नहीं है, केवल डोमिनार को छोड़ दिया जाए, तो इसीलिए कंपनी अपने बड़े सी सेगमेंट में यानी कि 300-500 सी सेगमेंट में बाइक को लॉन्च करना चाहती है। फिलहाल यहाँ पे जो इमेज सामने आई है जिसे टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाता है, यहाँ पे सिंगल पीस सीट दी गई है, राउंड शेप का LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे रियर व्यू मिरर्स लगा हुआ है, नकल गार्ड आपको देखने को मिल जाती है, फ्रंट में USD फॉक्स सस्पेंशन लगा हुआ है, रियर में मोनोसर सस्पेंशन देखने को मिल रही है। इसके अलावा इसके फ्रंट में आपको 19 इंच और रियर में 17 इंच का अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाती है, LED लाइट सेटअप देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको फ्रंट और रियर में सिंगल डिस्क मिल जाता है, जहाँ पे डुअल चैनल का ABS भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसमें इंजन क्या मिल सकती है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें आपको सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूलिंग के साथ इंजन मिल सकती है, जो कि 300 से 400 सी सेगमेंट में आ सकती है, जो कि अप्रॉक्स 35 BHP का पावर और 30 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकती है, 6-speed गियरबॉक्स के साथ आएगी। तो प्राइसिंग की बात करें तो प्राइस आप गेस कर सकते हैं कि अगर बजाज ट्रायम्फ की मोटरसाइकिल आती है तो उसकी प्राइस क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में कंपनी अगर लॉन्च करती है तो रॉयल एनफील्ड हंटर 350 इन कैटेगरी के जितने मोटरसाइकिल्स हैं उनको टक्कर दे सकती है। फिलहाल अगर लॉन्चिंग की बात करें 2023 तक इसको लॉन्च किया जाना है, और ऑफिशियल डेट वगैरह अभी नहीं आई है, लेकिन जो भी ऑफिशियल कोई भी न्यूज़ आएगी आपको वीडियो फिर से मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या अभी बजाज कंपनी ट्रायम्फ के साथ जो कोलैबोरेट करके बाइक लॉन्च करने वाली है जल्द से जल्द देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को लाइक से जरूर कर दें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।